दोस्तों, टीम इंडिया के लिए आई एक बहुत ही बड़ी खबर। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को एक बार फिर मुख्य कोच की भूमिका के लिए चुना गया है। रवि शास्त्री ने सबसे पहले अगस्त 2014 में टीम डायरेक्टर के रूप में टीम की कमान अपने हाथ में ली थी। तब वो मार्च 2016 तक टीम के साथ रहे। इसके बाद दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले को मुख्य कोच के रूप में जगह दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद अनिल कुंबले ने इस पद से इस्तीफा दिया, तो एक बार फिर रवि शास्त्री को कोच की कमान सौंपी गई। तो क्या है यह पूरी खबर, वीडियो पर पूरे बने रहिए इस पूरी खबर को जानने के लिए। और साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट प्रियत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे पहले वर्ल्ड कप 2019 के बाद उनके कार्यकाल की फिर समीक्षा हुई और इस बार पूर्व कप्तान कपिल देव ने नेतृत्व वाली क्रिकेट सलाहकार समिति CSE ने कोच पद के लिए इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने इस फेहरिस्त में रवि शास्त्री पर भी भरोसा जताई। शास्त्री समेत इस दौर में कुल 6 नाम थे। शास्त्री ऑस्ट्रेलियाई कोच टिम मॉडी, वेस्ट इंडीज कोच फिल सिमंस और न्यूजीलैंड कोच माइक हेसन और साथ ही लालचंद राजपूत और रविंद्र सिंह भारत के दोनों कोचों पर बहुत ही भारी पड़े। कपिल देव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय CSE का पैनल इंटरव्यू के लिए बैठा, तो उन्होंने एकमत से रवि शास्त्री को पहली पसंद माना। इसके बाद नंबर 2 पर माइक हसन और 3 पर टॉम मॉडी रहे। शास्त्री टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की भी पहली पसंद है। वेस्ट इंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने खुलकर रवि शास्त्री का समर्थन किया था। जब पहली बार रवि शास्त्री ने अगस्त 2014 में टीम इंडिया की कमान बतौर डायरेक्टर संभाली तो 19 महीने के इस कार्यकाल में शास्त्री के कार्यकाल में टीम इंडिया ने 14 टेस्ट, 40 वनडे और 21 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। सीमित ओवर के खेल में टीम इंडिया का विनिंग औसत सबसे शानदार वनडे में 61.54 और T20 में 67.67 फीसदी रहा। इस दौरान टेस्ट में भी टीम इंडिया का विनिंग औसत 35.71 रहा। इसके बाद जब 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब अनिल कुंबले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो सौरभ गांगुली की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति CSE ने रवि शास्त्री को टीम इंडिया का मुख्य कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी। जुलाई 2017 में टीम के कोच बने शास्त्री का कार्यकाल वर्ल्ड कप 2019 तक तय किया गया। इस बार रवि शास्त्री के नेतृत्व में टीम इंडिया ने अपना टेस्ट रिकॉर्ड भी बेहतर किया। इतना ही नहीं, उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने वाली टीम इंडिया पहली एशियाई टीम भी बनी। इस बार टेस्ट में भारत का विनिंग प्रतिशत 52.38 हो गया। वनडे में यह विनिंग औसत 74.19 और T20 में यह विनिंग औसत 69.44 रहा। शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया की उपलब्धियां भारत वर्ल्ड कप 2015 और 2019 में सेमीफाइनल में पहुंचा और 2016 में खेले गए वर्ल्ड कप T20 में भी टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। वही उनके कार्यकाल में टीम इंडिया टेस्ट और वनडे दोनों की रैंकिंग में पहले स्थान पर रही। 2018-19 में टीम इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज अपने नाम की और 2018 में UAE में आयोजित एशिया कप भारत ने जीता। और दोस्तों, CSE के सदस्यों ने रवि शास्त्री को लगभग सभी पैमानों पर सबसे ज़्यादा अंक दिए। इसमें कोचिंग फिलोसफी, कोचिंग का अनुभव, कोचिंग में हासिल की गई उपलब्धियां, संवाद और कोचिंग में मौजूदा तरीके आदि के बारे में शास्त्री सबसे आगे रहे और इसी कारण रवि शास्त्री को ही फिर से टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करना मत भूलिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स क्रिकेट से जुड़ी आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।